हम सब ने अपने जीवन में बीमार से बीमार व्यक्तियों को ठीक होते हुए तो अवश्य देखा होगा, लेकिन किसी के प्राण निकल जाएं, प्राण निकलने के बाद वो पुनः जीवित हो जाए, ऐसे चमत्कार बहुत कम देखने और सुनने को प्राप्त होते हैं। एक ऐसा ही प्रसंग आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका पुस्तकों में भी वर्णन किया गया है। एक बार एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके गया। वह मायके से अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने घर की ओर आ रहा था। जैसे ही वह घर से निकल रहे थे, तभी पत्नी के गुरुदेव उसके सामने प्रकट हो गए। अब दोनों ने उनके समक्ष प्रणाम किया। उस स्त्री को देखकर उसके गुरुदेव कहने लगे, तुम्हारे पति की बड़ी लंबी उम्र है, तुम चिंता न करना, जब मेरी आवश्यकता हो मुझे याद करना, मैं हरदम तुम्हारे साथ हूँ। इस प्रकार वह उनसे विदा लेकर जंगल का रास्ता लेते हुए अपने घर की ओर आ रहे थे। जंगल का रास्ता बड़ा गहरा था। उस जंगल में कुछ डाकू लोग रहते थे। जब उन्होंने इन दोनों को देखा तो वह इनके पास आकर डराते धमकाते हुए कहने लगे, जितना धन तुम्हारे पास है वह हमारे हवाले कर दो। अब दोनों ने आराम से अपना धन उतार कर उन्हें देना प्रारंभ किया। जैसे ही वह आगे बढ़े, पता नहीं डाकुओं के मन में क्या सूझा, उन्होंने बिना कारण ही स्त्री के पति का वध कर दिया और उस अकेली अबला को वहां छोड़कर कहने लगे, तुम घर जाकर हमारी शिकायत कर देते, राजा हमें दंड देता, इसलिए हमने तुम्हारे पति को मार दिया है। अब तुम भी घर नहीं जा सकोगी, अब तुम इसी के साथ यहाँ मर जाना। वैसा कहकर डाकू तो वहां से चले गए, पर उस स्त्री को याद आ गया, मेरे श्री गुरुदेव ने मुझे कहा था, जिस विकट परिस्थिति में तुम मुझे याद करोगी मैं वहां प्रकट हो जाऊंगा। अब उसने मन ही मन अपने गुरुदेव को प्रार्थना की, हे गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए। सच्चे हृदय से की गई पुकार परमात्मा तक अवश्य पहुंच जाती है, और गुरुदेव तो परमात्मा का ही स्वरूप होते हैं। स्त्री के पुकार करते ही उस जंगल में श्री गुरुदेव प्रकट हो गए। वह अपने पति की ओर इशारा करते हुए कहने लगी, देखिए मेरे पति का डाकुओं ने वध कर दिया है, आपने तो कहा था इनकी उम्र बहुत लंबी है, तुम सौभाग्यवती रहोगी, देखो इन्होंने आपके वचन मिथ्या कर दिए हैं। तब श्री गुरुदेव ने भगवान को प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान मैंने सच्चे हृदय से आपकी सेवा की है, अगर मेरे मन में जरा भी कपट नहीं है तो इस स्त्री का पति जीवित हो जाए। उसी समय एक चमत्कार हुआ, परमात्मा की शक्ति से पुनः उस स्त्री का पति जीवित हो गया। जो डाकू लोग उनका धन हरण करके लेकर जा रहे थे, अचानक से उनके नेत्रों की ज्योति चली गई, वह एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, सोचने लगे हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तब उन्हें ज्ञान हुआ, हमने जिनका धन हरण किया है हमें वापस उनके पास जाकर यह धन देना पड़ेगा, तभी हमारे आँखों की रोशनी वापस आएगी। ऐसा विचार कर वह परमात्मा से क्षमा मांगते हुए कहने लगे, हमें क्षमा कीजिए, हम अभी का अभी वापस यह धन उनको देकर आएंगे। ऐसा सोचते ही उनके आँखों की रोशनी पुनः वापस आने लगी। वह दौड़ते भागते हुए उन स्त्री पुरुष के पास आकर कहने लगे, हमें क्षमा कीजिएगा, हमसे बड़ा अपराध हुआ है, हमने अज्ञानवश आप जैसे भक्तों का धन चोरी कर लिया था, हमें क्षमा कीजिएगा। जब डाकू ने उसके पति की ओर नजर दौड़ाई तो देखकर हैरान हो गए, इसे तो हमने मार दिया था, यह पुनः कैसे जीवित हो गया है। तब वह डाकू उस स्त्री से पूछने लगे, तुम्हारे पति को किसने जीवित किया है। तब वह स्त्री कहने लगी, मैंने अपने गुरुदेव से प्रार्थना की, मेरे गुरुदेव ने यहाँ प्रकट होकर मेरे पतिदेव को पुनः जीवन दान दिया है। उनकी यह बातें सुनकर डाकुओं के मन में भी भगवान की भक्ति का संचार हो गया था। वह स्त्री से पूछने लगे, आपका नाम क्या है। तब वह कहने लगी, मेरा नाम गंगाबाई है, मैं अपने गुरुदेव की सच्ची भक्त हूँ, मेरे जीवन में जब भी कोई कष्ट आता है वह स्वयं प्रकट होकर मेरे कष्टों का निवारण कर देते हैं। तब डाकू कहने लगे, हमें भी आपके गुरुदेव का दर्शन करना है। तब वह कहने लगी, वह तो मेरे नज़दीक ही खड़े हैं, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वह उसे ही दिखाई देते हैं
जिसका मन निर्मल होता है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा मन भी निर्मल हो जाए, तुम्हारे जीवन के दुख भी समाप्त हो जाएं, तो इन गुरुदेव की शरण में रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। डाकुओं ने बड़े श्रद्धा भाव से प्रार्थना की, हमें भी अपना दर्शन दीजिए। तब गंगाबाई के गुरुदेव ने डाकुओं को दर्शन दे उपदेश देकर कहा, आज के बाद कभी भी ऐसा अन्यायपूर्वक कार्य नहीं करना। अपने जीवन को चलाने के लिए अच्छा व्यवसाय करो, तुम्हारा जीवन भी सफल हो जाएगा। गुरुदेव के वचन मानकर उन डाकुओं ने गलत काम छोड़कर परमात्मा की भक्ति के ओर अपना मन लगा दिया। तो अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान और श्री गुरुदेव कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। ऐसे पावन श्री गुरुदेव के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, जो हर संकट के समय आकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।